बागपत के प्राचीन सिद्ध पीठ परशुरामेश्वर पुरा महादेव मंदिर में श्रावण के पहले सोमवार को भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। हजारों की संख्या में मंदिर पहुंचकर भक्त भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं। मंदिर परिसर में भगवान शिव के भक्तों से खचाखच भरा हुआ है और श्रद्धालु लाइन में लगकर अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। मंदिर परिसर बम बम भोले और जय शिव के नारों के उद्घोष से गूंज रहा है। श्रावण के सोमवार के कारण होने वाली भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने भी खास इंतजाम किए हुए हैं। मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित जय भगवान ने बताया है कि भगवान शिव का जलाभिषेक करने श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। सभी की भगवान शिव में आस्था और ये आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। आस्था का सैलाब, योगी सरकार, सब साकार। एक बात तो ये, दूसरी चमत्कार को नमस्कार। दूसरी बात, भगवान शिव आशुतोष के जो शिव भक्त श्रावण प्रतिपदा का प्रथम सोमवार, सभी शिव भक्त 2 बजे से माताएं, बहनें और शिव भक्त लाइन में लगे हुए हैं। ये श्रद्धा ही है, और श्रद्धा ही है तो विश्वास है, और जहाँ विश्वास है वहाँ शिव है। सत्यम शिवम सुंदरम, भगवान बाबा भोलेनाथ को रिझाने के लिए, प्रसाद चढ़ाने के लिए सभी शिव भक्त श्रावण के प्रति प्रथम सोमवार को आस्था के सलाम में डूब करके भगवान आशुतोष का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए परशुराम महादेव मंदिर में जलाभिषेक करने के लिए आ रहे हैं। ये कह सकता हूँ कि रात्रि 2 बजे के बाद से लाइन लग चुकी है, और अभी लाखों लाखों लोग लाइन में लगे हुए हैं, और लाखों लोग ऐसे प्रस्थान कर चुके हैं 2 बजे से। अभी मेरे विचार से समय का जो है अभी 7:30 बजे, तो मतलब इतनी श्रद्धालु जा चुके हैं लाखों लोग इसमें।